हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ गाइस एक न्यू रिएक्शन वीडियोस के साथ। तो आज गाइस मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ ऑन द वीडियो ऐ भोले बाबा पवन सिंह सॉन्ग रिव्यू झंड जी। ओके, तो गाइस वीडियो का टाइटल सुन के आप लोगों को पता चल ही गया कि आज का ये जो वीडियो है वो हमारा पावर स्टार पवन जी का ऐ भोले बाबा वीडियोस के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, बट उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल बटन है ना उसको प्रेस जरूर करना ताकि आप लोगों को मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टा का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग जाकर चेक जरूर करना, प्लीज़ मुझे फॉलो भी जरूर करना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहानवा भइले ना। 4 साल हो गए यूट्यूब पर मुझे वीडियो बनाते हुए, बट आज तक मैंने किसी भी धार्मिक गानों के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। हाँ, सिर्फ एक आदि पुरुष के ट्रेलर के ऊपर मैंने रिव्यू दिया था, बट आदि पुरुष फिल्म कितना धार्मिक है वो पूरा देश को पता है, देश नहीं पूरी दुनिया को पता है। तो जब 4 साल में मैंने किसी भी धार्मिक गाने के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया तो आज क्यों बना रहा हूँ, उसकी वजह है पावर स्टार पवन सिंह। मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि जब भी मैं किसी भी चीज के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट पर अपनी राय रखता हूँ। तो कभी भी किसी भी धार्मिक गाने के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट तक तो ठीक है, हो सकता है जैसे ही मैं नेगेटिव पॉइंट के ऊपर फोकस करना शुरू करूँ किसी की भावना आहत हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। भोजपुरी के जितने भी सिंगर हैं उसमें से ठीक है कुछ लोग अच्छे गीत गाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो अपने लोकगीत में करते हैं सेम वही शब्दों का इस्तेमाल ये लोग धार्मिक गीत में भी करते हैं। और भोजपुरी गानों के अंदर फुहड़पन का क्या ही आलम है वो सबको पता है, ढोली चोली चुनरी साया ब्लाउज के ऊपर तो कोई आता नहीं। और इन्हीं सिंगरों में से कुछ सिंगर ऐसे हैं जो यही फुहड़पन अपने धार्मिक गानों में भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक साली भौजी देवर मेला में यह पकड़ा जाइए छुआ के जाइए, इस टाइप के ही गाने गाते हैं। और कुछ सिंगर उससे भी नेक्स्ट लेवल के हैं जो धार्मिक गानों में जाति घुसेड़ देते हैं, और कुछ उससे भी नेक्स्ट लेवल के हैं वो राजनीति घुसेड़ देते हैं। और मैं अगर इन सब चीजों पर वीडियो बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव तो पॉजिटिव इन सब चीजों पे भी मैं फोकस करूंगा। धार्मिक गानों में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वालों की मैं बजा दूंगा, फिर कुछ दिमाग से मन बुद्धि लोग आएंगे उनको लगेगा देखो हमारे धर्म को नीचा दिखा रहा है, फिर उनकी आस्था हाथ हो जाएगी और सब काम गड़बड़ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो मेरे चैनल को सूट करता है, अगर मैं इन सब चीजों पे वीडियो बनाऊं तो मुझे तो भर भर के व्यूज मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, है ना। बट मैं पैसे कमाने के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करता। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। कहते हैं ओरिजिनल भक्ति गाना, इसमें ना कोनो अश्लील डांस है, ना कोनो भौजी है, ना कोनो देवर है, ना कोनो साली है, ना कोनो मेला है, ना कोनो झमेला है, सिर्फ और सिर्फ भोला है। ये होता है असली भक्ति सॉन्ग। देखो ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं होने वाला, रोस्ट का मतलब मजाक होता है, अब ये धार्मिक गीत पर तो कोई मजाक कर नहीं सकता। तो हम आज क्या करने वाले हैं, इन दोनों गानों का रिव्यू करेंगे, मुझे इन दोनों में से कौन सा गाना अच्छा लगा और इन गानों में क्या अच्छा लगा। सबसे पहले मैं जिस गाने के बारे में बात करूंगा वो है ऐ भोले बाबा। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कुछ यूट्यूबरों को मौका दिया गया है, और इन चारों लोगों में से मैं सिर्फ शुभम को जानता हूँ, पर्सनली नहीं जानता हूँ, यूट्यूब पर देखा हूँ, बाकी इन लोगों को नाम से मैं नहीं जानता हूँ, देखा हूँ कहीं ना कहीं। सबसे पहले बात करें इस गाने के लिरिक्स के बारे में, ओ भाई साहब विजय चौहान ने इस गाने को लिखा है और मैं कहूंगा कि वाह क्या लिखा है। भोले बाबा खोली ना हो नया नवा। सेकंड नंबर पर इस गाने का म्यूजिक विक्की वॉक्स, जिन्होंने इस गाने में म्यूजिक दिया है, कसम बता रहा हूँ कांवड़ लेकर जाने वालों का पैर ऐसे थिरकते हुए जाएगा, एक नंबर का फैंटास्टिक म्यूजिक है। बस ये गाना गाया किसने है ये नहीं पता है। अबे साले कभी पवन सिंह नाम। हाँ, अगर बात करें इस गाने में कमी की तो मैं कहूंगा यस, वीडियोग्राफी में थोड़ी बहुत कमी है। कमी ये है कि देखो बुरा नहीं मानना,
आज का जो दौर है ना वो वीडियोग्राफी का जमाना है। जो आदमी इस गाने को ऑडियो में या डीजे में लगा के सुनेगा उसके लिए तो परफेक्ट है, बट वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए था ताकि वीडियो देखने वाला आदमी बोर ना हो। अक्सर आप देखेंगे साल के चलते हैं वहीं पर धार्मिक गानों पर व्यूज कम आते हैं, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं ना, तो उनकी बोरियत को मिटाने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सेट और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए था, या फिर आप खुद से भी एक ऐसा सेट बनवा सकते थे जहाँ पर शंकर जी का मंदिर वंदिर हो, आप लोग भी वहाँ जाएं पूजा की थाली वाली ले करके और वहाँ का भी सीन शूट करके थोड़ा इसमें डाला जाए तो शायद थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता है। बाकी जितना भी है ठीक है, और हाँ बैकग्राउंड थोड़ा अच्छे से इरेज करना चाहिए था। खैर, वीडियो डायरेक्टर रवि पंडित, गुड जॉब। अब आते हैं दूसरे गाने पर जिसका नाम है रोवेले रघुराय। बोलो रुके के छोटका भाई अखिया खोला बबुआ। ये जो गाना है ना मैं पहले नहीं सुना था, मेरे किसी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया कि भाई पवन सिंह का गाना आया है रोवेले रघुराय। मैंने आज सुबह में सर्च किया तो ये गाना सुना, और सुनने के बाद भाई साहब मालूम है ये जो अंदर का जो दिल है ना वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, मतलब एकदम घूस बम। बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई गीत आया है। अक्सर भोजपुरी में भक्ति के नाम पर क्या हो रहा है आपको पता ही है। मैं पवन सिंह को भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, इन्होंने भी कोई बहुत झंडे नहीं गाड़े हैं पहले, इन्होंने भी अभी पिछले ही साल वो क्या औजी भौजी वाले गाने गाए हैं सावन में। बाबू कहाँ हो? तुम्हारा बाबू व्यस्त है। मैं सिर्फ इस गाने की बात कर रहा हूँ कि इस गाने में पवन सिंह ने जो आवाज दिया भाई साहब, शक्ति बान लगल लक्ष्मण के रोवे ले रघुराई। लोकगीत आते हैं ना उसको मैं सुनता हूँ तो कहता हूँ कि यही पुराना वाला पवन सिंह है, मुझे लगता नहीं है। बट इस गाने को सुनने के बाद मुझे लगा कि पवन सिंह ने अपनी पुरानी वाली आवाज पवन सिंह इज बैक किया है, और भाई साहब सीधे इधर इधर लगता है गाना। बोलब के छोटका भाई अखिया खोला बबुआ। वीडियो तो पिछले गाने के ही जैसा है बट ये गाना पहले आया है तो क्रेडिट इसी गाने को मिलना चाहिए। राजेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा है, और मैं कहूंगा कि भाई साहब 100 तोपों की सलामी है आपको। कितना गहरा ये गाना है उतना ही गहरा इस गाने का म्यूजिक भी है। म्यूजिक दिया है छोटू रावत ने, और मैं कहूंगा कि भाई छुपे रुस्तम हो। पहले मैंने छोटू रावत के म्यूजिक का बहुत क्रिटिसाइज किया हूँ, बट इस गाने का म्यूजिक सुनने के बाद भाई दिल से सलाम। नहीं, दिल इधर होता है ना। हाँ, इधर ही होता है। तो इन दोनों गानों को गाया है पवन सिंह ने, जानते हो ना पवन सिंह को? ओटीटी पर रिलीज हुआ है क्या? आई होप सिनेमा हॉल में रिलीज होगा ना रे। अच्छा, तो देखो ये दोनों ही गाने मेरे हिसाब से प्योर भक्ति सॉन्ग है। उम्मीद करूंगा कि आगे भी पवन सिंह इसी टाइप के गाने लेकर आएंगे, कम से कम भक्ति गानों को फुहड़पन से दूर रखेंगे। बहुत सारे सिंगरों को मैंने देखा है कि उनका कोई अश्लील गीत हिट हो गया, ढोली चोली चड्डी वाला कोई भी गाना हिट हो जाता है तो सेम उसी ट्रैक पर उसी धुन पर वो भक्ति गीत बना देते हैं, और फिर वही भक्ति गीत किसी पंडाल या मंदिर में बजता है तो जो व्यक्ति दूर से सुनता है, जिसको लिरिक्स सुनाई नहीं देते हैं सिर्फ म्यूजिक सुनाई देते हैं, उसे लगता है कि ससुरा ढोली वाला गाना बज रहा है मंदिरों में। मुझे बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन हुआ है, आपको कभी न कभी जरूर हुआ होगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो फुहर गाने हैं उस ट्रैक पर उस धुन पे कम से कम भक्ति गीत ना बनाएं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बट अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात बात करनी है तो आ जाओ। उसके अलावा लोक बेट का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जाओ रजिस्टर करो, एविएटर उड़ाओ, पैसे कमाओ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाइस, मतलब मुझे जितना पता है या फिर मैं जितना मतलब देखी हूँ, झंड जी ज़्यादातर पवन जी को लेके नेगेटिव वीडियो पहले बनाते थे, ठीक है। बट वो बोलते हैं ना पावर स्टार का पावर, भाई पवन सिंह ऐसा एक इंसान है जो सबको अपने तरफ लेके आते ही, हाँ भले ही 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल टाइम क्यों ना लग जाए, पर सबको वो अपने तरफ लेके आते हैं ही, यही होता है पावर।
जैसे आज झंड जी को लेके आए हैं अपनी तरफ। मतलब पहले ज़्यादातर नेगेटिव वीडियोज ही देखने को मिलता था पवन जी को लेके, बट आज ये वीडियो देख के मेरे दिल खुश हो गई सच में। मतलब जो रिव्यू किया ना झंड जी ने, दिल जीत लिया सच में। एक बात का इस बोलना ही पड़ेगा, मतलब आज तक मैं पवन जी का जितना भी वीडियोज़ के ऊपर रिएक्ट की हूँ, अगर मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग कोई है तो वो है रोवेले रघुराई। मतलब ऐसा कोई भक्ति सॉन्ग नहीं है जो देख के मेरे आँखों से आंसू आई है। फर्स्ट टाइम पवन जी का कोई भक्ति सॉन्ग देख के मेरे आंखों से आंसू आ गई, और वो है रोवेले रघुराई। मतलब क्या गाना है यार, जब भी मैं सुनती हूँ ना वो गाना एक दिल से फील आती है गाइस सच में। मेरे हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं एकदम 100% श्योर के साथ बोल सकती हूँ कि ऐसा गाना पवन जी के अलावा कोई नहीं गा सकता है, क्योंकि पवन जी के वॉइस में जो जादू है ना वो जादू का ही कमाल है। ठीक है, मतलब क्या ही तारीफ करूँ यार, मैं बोलते बोलते थक जाऊँगी, फिर भी शायद मुझे ये फील होगी कि कम बोल रही हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो देख के पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।